श्योर आप अपना जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन है वो अप्लाई कर लियो यार। ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है ठीक है, उसकी प्रोसेस आती स्टार्ट कर सको, पहला प्रैक्टिस करके भग जियो, उसके बाद आपका इजीली क्रैक हो जाएगा ठीक है, बिल्कुल इजी सी प्रोसेस है इसमें। रखते बाद अपना ग्रीन प्लेट मिलेगी ठीक है, आप कुछ टाइम तक रखोगे। हेलो एवरीवन, राम राम भाई सब, ना उम्मीद है यार आप सब लोग बड़ी हो गए, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई जो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी क्या प्रोसेस है ठीक है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है भाई जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई करोगे ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो मेरी लास्ट वीडियो है यार उसमें हमने बात करा था कि भाई जो IDP यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसकी क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट और क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हमने बात करा था लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जैसे अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है ठीक है, तो किस तरह ना कन्वर्ट करवा सके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का नहीं है, आप स्क्रैच तो बनवाना चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसकी क्या प्रोसेस है ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, तो मेक श्योर वीडियो ना एंड तक देखियो। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है, इस टाइम में जान लग रहा है भाई पेट्रोल पंप आ गाड़ी में ठीक है, फ्यूल है वो फिल करवाना, तो चलते हैं पहला फ्यूल फिल करवा गाड़ी में, और साथ साथ में बात करेंगे भाई कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी क्या प्रोसेस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई फ्यूल कर लेते हैं फिल, उसके बाद बात करते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में। A few moments later. तो भाई अगर जैसे आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी क्या प्रोसेस है। तो भाई जो सबसे फर्स्ट थिंग आपने करनी वो करनी भी कि मेक श्योर आप अपना जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन है वो अप्लाई कर लियो यार। वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करनी, बेसिकली यार अपना VFS ग्लोबल है उनके ऑफिस में जाना, तो वहाँ यार आपका लाइसेंस लगेगा ठीक है, आपका पासपोर्ट लगेगा भाई, आपके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी ठीक है, और एक फॉर्म भी सबमिट करवाना भाई ठीक है। वो बता देंगे यार VFS वाले की कौन सा फॉर्म है अपना, जब वो सबमिट करवा दोगे ठीक है, तो भी आपकी जो वेरिफिकेशन है ठीक है लाइसेंस की वो आ जाएगी यार। यूजली टेक्स मे बी लाइक 2 weeks और 3 weeks ठीक है, 10-15 दिन लगा यार, 10-15 दिन के बाद आपकी जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। अगर जैसे आप सिडनी के अंदर हो, मेलबर्न के अंदर, ब्रिस्बेन, एडिलेड या फिर पर्थ, कहीं भी हो यार, VFS ग्लोबल का जो ऑफिस है ठीक है हर एक जगह है, गूगल पर सर्च भी करोगे ना ठीक है, तो अपना पता चल जाएगा एड्रेस की भी कौन सा एड्रेस है, अगर आप जो भी सिटी में, आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सिटी में हो ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस रहेगी कि मेक श्योर आप अपनी जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन है वो अप्लाई कर दियो। और ये चीज़ यार जब आप ऑस्ट्रेलिया में आओ ठीक है, तो आप ये आती कर सको इसमें ठीक है, आप स्टार्ट में आप आती अपनी जो ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है ठीक है उसकी प्रोसेस आती स्टार्ट कर सको। मेक श्योर कि आप थोड़े थोड़े यार स्टार्ट कर दो अपना, जैसे अगर आपका वेरिफिकेशन है ठीक है वो अप्लाई कर दी, उसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है ठीक है उसके बारे में बात करूंगा मैं। जब आपकी जैसे वेरिफिकेशन आ जाए, अगर जैसे आप भाई WA के अंदर हो, यानी कि अगर आप पर्थ के अंदर हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है यार, यहाँ पर पर्थ के अंदर DOT के ठीक है ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के, आप जिस भी सबर्ब में हो ठीक है, जो भी आपके घर के नज़दीक हो यार ठीक है, आप उस ऑफिस में जाना जो DOT के ऑफिस है, और उसके अंदर यार आपने एक थ्योरी टेस्ट है वो अप्लाई करना जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उससे रिलेटेड। तो थ्योरी टेस्ट में क्या हो यार, बेसिकली 30 questions हो वहाँ, और उसके अंदर यार क्विज टाइप के क्वेश्चन हुआ ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ, तो अपना थ्योरी टेस्ट है वो पास करना, बिल्कुल ईजी है यार जो थ्योरी टेस्ट है। इसकी प्रैक्टिस आप पहला भी कर सको, क्योंकि गूगल के ऊपर अगर आप लिखोगे ना जो थ्योरी टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने WA अप्लाई करना, पर्थ का अप्लाई करना, तो आपका भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आप पहला प्रैक्टिस करके भग जियो, उसके बाद आपका इजीली क्रैक हो जाएगा ठीक है, 27 होने चाहिए ठीक, 27-25 कुछ इतनी होने चाहिए वहाँ। अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर ली एक बार उन जो थ्योरी क्वेश्चन है उनकी, तो यार आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आपका भाई जो थ्योरी टेस्ट आपका वो क्लियर हो गया, उसके बाद भी आप अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो बुक कर सको। और भाई जब आप ये थ्योरी टेस्ट अप्लाई करने के लिए जाओगे ठीक है, इसमें आपका लर्नर परमिट लगेगा अगर आप इंडियन का कन्वर्ट करवा रहे ठीक है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में, और साथ साथ में भी आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे आपका पासपोर्ट लगेगा भाई, आपकी वीजे की कॉपी भी लगेगी, और उसके भाई आपके एड्रेस प्रूफ लगेंगे, आपके अगर आपके पास फोटो ID आपकी फोटो ID लगेगी भाई, और यार अगर आपका बैंक के मतलब कि बैंक का आपका जो स्टेटमेंट है ठीक है उसके ऊपर अगर आपका एड्रेस प्रूफ है तो आपका वो लगेगा। तो यार ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके जो भाई आपके थ्योरी टेस्ट है उसके दौरान लगेंगे। तो भाई जब आपना अपना थ्योरी टेस्ट है ठीक है वो आप पास कर लिया, इसकी प्रोसेस मैंने बताया दी कि अगर आपने पास करना है तो आप पहला एक बार पढ़ लियो ठीक है, जो मतलब कि जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मोस्टली यार जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के अंदर थे आवा,
और बिल्कुल यार इजी से क्वेश्चंस है, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका जो थ्योरी का टेस्ट है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। उसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी अपना भी प्रैक्टिकल टेस्ट है वो अप्लाई करना। प्रैक्टिकल टेस्ट में यार आप के कर सको या तो आप भाई जैसे एक दो लेसन्स ले लो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे यार ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, आप उन पे एक दो यार लेसन ले लो, ठीक है। वहाँ अपना ब्रीफ कर देंगे कि ड्राइविंग के क्या क्या रूल्स हैं, मतलब कि क्या क्या चेक करा वहाँ जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, कि जैसे मिरर के रूल्स हो गए, ठीक है, कितने टाइम में वो करना, बाकी स्टॉप साइन पर कब रुकना, गिव वे के, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, थोड़े बड़े छोटे छोटे से रूल हैं यार। या फिर आप यार कुछ यूट्यूब पर वीडियो चेक आउट कर लियो, ठीक है। उसके बाद अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, ठीक है, वो बुक कर लियो। प्रैक्टिकल टेस्ट में यार आपका इंस्ट्रक्टर होएगा, अपना जज करेगा बेसिकली, मतलब कि चेक करेगा यार आपकी ड्राइविंग कैसी है, अपना रूल्स वगैरह पता कि नहीं पता, ठीक है। तो ये यार कुछ चीज़ें होंगी आपके जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके दौरान। तो उसके बाद भाई जब अपना टेस्ट आपका पास कर लिया तो ठीक है, तो आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कर WA अप्लाई कर रहे, तो आप भाई वो अप्लाई कर सको, ठीक है। बिल्कुल ईजी सी प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि कुछ लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं। अब बात करते हैं भाई, अगर किसी के पास जैसे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं है, अगर आप भाई लेके नहीं आए इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, तो यार आपके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा। अगर जैसे आपके पास इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है, अपना स्क्रैच से स्टार्ट करना ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे आप, तो थोड़ा सा यार अपना कॉस्टली भी पड़ेगा और थोड़ी सी लंबी प्रोसेस भी होगी। सबसे मेन फर्स्ट थिंग वही अपना थ्योरेटिकल टेस्ट देना। थ्योरेटिकल टेस्ट के बाद क्या होगा यार, अपना अपना प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। प्रोविजनल लाइसेंस में यहाँ क्या हुआ, पी प्लेट हुआ, मतलब कि रेड प्लेट होगी या फिर ग्रीन प्लेट होगी, उसमें क्या हुआ, उस प्रोविजनल लाइसेंस में जो आपका थ्योरेटिकल टेस्ट है उसके बाद प्रोविजनल जो पी प्लेट हुआ यार, उसमें अपना कुछ आवर्स कंप्लीट करने पड़ा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो आपको एक लॉग बुक दे देगा, अपना वो लॉग बुक कंप्लीट करने, उसमें मे बी 50 आवर्स कंप्लीट करने होंगे कि मेक श्योर अगर किसी और बंदे के, जैसे किसी और के पास फुल लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया का, पिछले आई थिंक 3-4 ईयर्स का फुल लाइसेंस है, तो आप उसके साथ अपने जो आवर्स हैं, ठीक है, आप वो कंप्लीट कर सको कि मेक श्योर आप ड्राइव कर रहे हो और साथ में बैठ के आपकी मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यार बेसिकली यही हो, आपने बेसिकली एक लॉग बुक है वो फिल करनी, 50 आवर्स इन डे टाइम, ठीक है, 5 आवर्स समथिंग इन द नाइट टाइम। तो वो लॉग बुक यार अपना फिल करनी, उसके बाद आप अपना भाई जो वो अपना यार कुछ ईयर्स तक भी होगा कि मेक श्योर अपना फर्स्ट रेड प्लेट मिलेगी, उसके बाद अपना ग्रीन प्लेट मिलेगी, ठीक है, आप कुछ टाइम तक रखोगे, और उसके बाद यार आपका जो ड्राइविंग मतलब कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है, जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है वो होएगा भाई, ठीक है। उसमें अगेन वही सेम थिंग, रूल्स वगैरह अपना पता होना चाहिए, आपकी केसी ना आपका प्रॉपर टेस्ट होएगा, जब आपने वो पास कर लिया, ठीक है, उसके बाद आई थिंक अपना पी प्लेट कुछ टाइम तक होल्ड करनी, मे बी 1 year or 2 years, ठीक है, कुछ ऐसा ही टाइम हुआ यार इसका, क्योंकि डिफरेंट एज का भी सीन हुआ कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद भी अपना फुल लाइसेंस है जो ऑस्ट्रेलिया का अपना वो मिल जाएगा, ठीक। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हुआ यार या अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ी लंबी प्रोसेस है और थोड़ी कॉस्टली भी है भैया, क्योंकि अगर आप भाई जो मतलब कि वो आवर्स लॉग बुक में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं तो भाई बहुत कॉस्टली है, हर एक लेसन है बहुत कॉस्टली है, मे बी $50 और $100 पर लेसन। तो अगर मेक श्योर आप इंडिया से आ रहे हो, ठीक है, अगर आपने अभी इस टाइम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो नेक्स्ट इनटेक में या फिर आ लिए, तो मेक श्योर भाई अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपना इंडिया से ले आइयो, अगर यहाँ आते स्क्रैच से बनाओगे यार तो थोड़ा अपना कॉस्टली पड़ जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, इसमें यार एक कंप्लीट में मैंने बात कर ली कि जो मेन डॉक्यूमेंट है कौन से हैं, बाकी और एक स्टेप्स के रहेगी, जैसे थ्योरेटिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होएगा, थ्योरेटिकल टेस्ट पास कैसे करना और किस के सीन रहेगा, तो भी आपका जो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो बन जाएगा। इससे पहला वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात कर ली IDP की, ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर ली। जो नेक्स्ट वीडियो है यार वो एक और लाइसेंस के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, कंप्लीट लाइसेंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, क्योंकि अभी तक यार मैंने मोस्टली कोई भी आई थिंक वीडियो बनाई नहीं अब तक ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा यार ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के, कितने मतलब की टाइप्स ऑफ लाइसेंस हुआ ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के, ठीक है, किक के उनकी प्रोसेस हुआ, पे रेट किक के हुआ भाई ट्रक ड्राइविंग में, अगर आपने ड्राइविंग के अंदर जाना है, ट्रक ड्राइविंग वगैरह करनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैसी नो हुआ कंप्लीट में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक द वीडियो, बाकी अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू लाइसेंस लाइसेंस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।